हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौतम दास और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। एक बात बोलूँ मैं आपको, अगर आपको अपनी लाइफ से ज़रा भी प्यार है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आपको क्या लगता है किसी इंसान का सक्सेसफुल या फेल होने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? सोचो, उसका बचपन, उसका एनवायरनमेंट, या उसके माता पिता, या फिर कुछ और। डैरन हार्डी, जिन्होंने एक बुक लिखी है द कंपाउंड इफेक्ट, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का सक्सेसफुल या फेल होने के पीछे का कारण उसके लिए गए छोटे छोटे चॉइस होते हैं। देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास हर वक्त दो चॉइस होते हैं। अब चाहे हम उसको सही चूज करें चाहे गलत, वो हम पर डिपेंड करता है। तो आइए इस चीज़ को लाइफ की रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठ के हम जिम जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर हम सोते रहें और लेट ऑफिस पहुंचे। दूसरा, हम लंच में सैलेड खा सकते हैं या लंच के बाद स्वीट डिश खा सकते हैं। शाम को जब ऑफिस से वापस आते हैं तो कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं या फिर अपनी फेवरेट सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, चॉइस आपके पास है, चाहे आप अच्छी चॉइस चूज करें चाहे बुरी। अंत में आपकी चॉइस ही आपको रिजल्ट देती है। जैसे डैरन हार्डी कहते हैं, फर्स्ट यू मेक योर चॉइस, देन चॉइस मेक्स अस। तो इस बात को हम फिर भी नहीं समझते हैं, फिर भी हम लाइफ में लाइफ के फ्लो के साथ चलते रहते हैं। अगर मैं आपको दो ऑफर दूं, तो उनमें से आप कौन सा चूज़ करना पसंद करेंगे? पहला ऑफर, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं अभी ऑन द स्पॉट, और दूसरा मैं 1 रुपया देता हूं जो हर रोज़ डबल होगा, पर शर्त यह है कि आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट करनी है। तो आप कहेंगे, भाई 1 करोड़ रुपए वाली ऑप्शन तो सही है, इससे तो लाइफ सेट हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहली वाली ऑप्शन आप रख लो, 1 करोड़ रुपया आप रख लो, और दूसरी वाली ऑप्शन यानी 1 रुपया मैं रख लेता हूँ। आप कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 दिन के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 रुपया जो मेरे पास है वो रोज़ डबल होगा, तो 10 दिन के बाद मेरा जो 1 रुपया है वो कितने में बदल जाएगा देखते हैं। 10 दिन के बाद मेरे वाला जो रुपया है वो 512 रुपए में बदल जाएगा, और आपके पास अभी हैं वही 1 करोड़ रुपया। 20 दिन के बाद मेरा 1 रुपया बन जाएगा 5242 रुपए में, और आपके पास है 1 करोड़ रुपया। एंड फाइनली 31 दिन के बाद आपके पास है 1 करोड़ रुपया, मेरे वाला रुपया बन चुका है 107 करोड़ रुपए, यानी आपकी अमाउंट से 107 गुना ज़्यादा। तो देखा दोस्तों, ये है पावर ऑफ कंपाउंड। इसीलिए द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। चलिए पावर ऑफ कंपाउंड को एक स्टोरी के साथ समझते हैं। दो दोस्त थे, राज और कमल। दोनों ही एक साथ बड़े हुए, एक ही इन्वायरमेंट में बड़े हुए, दोनों की जॉब लग गई और सैलरी भी लगभग उनकी सेम ही थी। अभी हाल ही में पिछले साल उनकी शादी हुई थी और दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ने एक दिन प्लान बनाया कि न्यू ईयर के बाद वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में नए चेंजेस लेके आने शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहीं राज ने न्यू ईयर से कुछ छोटे छोटे नेगेटिव हैबिट शुरू कर दिए, जैसे शाम को इवनिंग में साइकिल भी कभी कभी जाना, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, फास्ट फूड खाना, और जिम की सब्सक्रिप्शन भी वेस्ट जा रही थी क्योंकि जिम के लिए वो रोज़ बहाने मारता था कि कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था और बॉस के साथ भी उसकी नहीं बनती थी क्योंकि उसकी सेल्स परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही थी, और वाइफ के साथ भी उसकी लड़ाई होती रहती थी क्योंकि वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करता था और वाइफ को बाहर लेके नहीं जाता था। वहीं दूसरी तरफ कमल न्यू ईयर से अपनी लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स पे काम करना शुरू किया। मॉर्निंग पे जैसे वॉक जाना, 2.5 लीटर डेली पानी पीना, सोने से पहले 5 पेज या 10 पेज की मोटिवेशनल और गुड बुक्स पढ़ना, 20 मिनट या 25 मिनट की कोई वीडियो, अच्छी वीडियो देखना, वीकली फास्टिंग करना, और कभी कभी डिनर को स्किप करना। ऑफिस में भी उसका बॉस के साथ अच्छा व्यवहार था और वो सेल्स पे फोकस करता था, वो अपने सेल्स के टारगेट भी पूरे करता था। फैमिली को भी मंथ में एक बार घुमाने लेके जाना, और वाइफ को भी शॉपिंग करवा देता था, और इस वजह से वाइफ भी उसकी बहुत खुश रहती थी। ये छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस कमल को बहुत खुशियां दे रहे थे। नेक्स्ट 6 मंथ तक दोनों दोस्तों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। 12 मंथ के बाद भी सब कुछ सेम ही लगा।
बट कमल बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता था क्योंकि उसको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे थे, बट फिर भी वो किसी तरह कोशिश में लगा रहा। वहीं राज जो करता आ रहा था उसको तो उसी में मज़ा आ रहा था, वो उसी से खुश था। आफ्टर 24 मंथ के बाद दोनों दोस्तों में डिफरेंस दिखने शुरू हो गए और फाइनली 31 मंथ के बाद जो रिज़ल्ट उनका आया वो बहुत ही अमेजिंग था, वो बहुत ही अलग था। अब राज ने रोज़ लेट उठकर जिम मिस करके और उल्टा सीधा जंक फूड खा के अपना वज़न 20 किलो तक बढ़ा लिया है और अपने अंदर कई बीमारियां भी पाल ली। अब उसकी फैटी लुक की वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगे। ऑफिस का काम सीरियस ना लेने की वजह से उसने कई जॉब छोड़ दी हैं और अब वो न्यू जॉब सर्च कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसको दोस्तों से कभी कभी उधार मांगना पड़ता है। फैमिली को भी ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से उसकी वाइफ भी बहुत परेशान है, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव में भी काफ़ी बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों देखा आपने, छोटे छोटे नेगेटिव चेंजेस राज के लिए कितना भयानक रिजल्ट लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ कमल ने 31 मंथ में डेली 2 से 2.5 लीटर पानी पीकर और वीकली फास्टिंग करके 10 किलो तक वजन कम कर लिया है, जिससे वो और भी ज़्यादा फिट और हैंडसम दिखने लगा है। कमल अब तक 40 बुक और 400 घंटे की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख चुका है, जिससे उसकी नॉलेज, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं कमल ऑफिस में अपने सेल्स के सारे टारगेट पूरे करके अब वो कंपनी में हाई रैंक पे पहुंच चुका है, जहां उसकी सैलरी और पोजीशन दोनों ही बढ़ गई हैं। अब उसके नीचे 10 लोगों की टीम काम करती है। वाइफ को उसने 31 महीनों में अब तक 62 बार आउटिंग और 31 बार शॉपिंग करवा चुका है, जिससे उसकी वाइफ भी बहुत खुश है और उसका रिलेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन सब चीज़ों की वजह से उसके रिलेटिव और दोस्त सभी उसकी तरक्की से बहुत खुश हैं। तो देखा आपने, स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस कंपाउंडेड फॉर 31 मंथ कमल के लिए कितने अच्छे रिजल्ट सामने लेकर आए। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर सक्सेस मिलनी इतनी ही आसान है तो क्यों हम मॉर्निंग में नहीं उठते, क्यों हम योगा, मेडिटेशन, जिम ये सब क्यों नहीं करते, क्यों हम अपनी पॉजिटिव आदतों पर ध्यान नहीं देते। डैरेन हार्डी जो द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर हैं, उनके हिसाब से ऐसे 4 ट्रैप हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। सबसे पहले, स्टार्टिंग रिजल्ट्स आर इनविजिबल। तो सोचो, अगर आज मैं बर्गर पिज़्ज़ा खाऊं और अगले दिन 10 किलो वेट के साथ उठूं, तो क्या मैं कभी बर्गर पिज़्ज़ा खाऊंगा? और अगर मैं आज एक सिगरेट या तंबाकू खाऊं और अगले दिन कैंसर लेके उठूं, तो क्या मैं उसको पीना पसंद करूंगा? तो दोस्तों दिक्कत यही है, 2-3 साल तक रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं और जब आते हैं तो वो इतने भयानक नज़र आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल भारत में तंबाकू सिगरेट से 10 लाख लोग मर जाते हैं। कितने अफसोस की बात है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप की तरफ, डिसऑनेस्ट। सोचिए, इंडिया से US जाने वाली फ्लाइट अगर 1 डिग्री भी ऑफ रूट हो जाए तो वो कहीं दूर 150-200 किलोमीटर जाके लैंड करेगी। सेम हमारी लाइफ के साथ भी ऐसा ही है। अगर कुछ सालों तक मैं गलत आदतों पे चलूं, या यूं कहूं कि ऑफ ट्रैक हो जाऊं, तो 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद जो रिज़ल्ट होंगे वो कितने भयानक होंगे। तो दोस्तों, हमें भी एक डेली चेकलिस्ट बनानी चाहिए जो हमें ट्रैक पे रहने के लिए हेल्प करे। नेक्स्ट है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप डिनर के बाद पानी पी सकते हैं या फिर आप आइसक्रीम खा सकते हैं। आपने पानी को चुना, आपके दोस्त ने आइसक्रीम को चुना। जहाँ पानी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वहीं आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, यही ट्रैप है। जहाँ पानी पीने से आपको कुछ नहीं मिलता, वहीं आइसक्रीम चूज़ करने पे आपको बड़ी टेस्ट और बड़ा ही मज़ा आता है। ऑथर कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर गिव्स लॉन्ग टर्म पेन एंड शॉर्ट टर्म पेन्स गिव लॉन्ग टर्म प्लेजर। ज़िंदगी में आपको एक बार तो सफ़र करना ही होगा। ये सफरिंग 2 तरह की है, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। जहाँ पेन ऑफ डिसिप्लिन का वजन कुछ ग्राम्स है, वहीं पेन ऑफ रिग्रेट का वजन कई टन्स है। आप चॉइस आपकी है, आप किसको चुनते हैं। और लास्ट ट्रैप है व्हाट इज इजी टू डू आल्सो नॉट इजी टू डू। ये चेकलिस्ट मेंटेन करना, ये डेली रूटीन मेंटेन करना, पानी पीना बहुत आसान है, पर कभी कभी मुश्किल भी लगता है। ऑथर के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में एक ही डिफरेंस है, दे बोथ हेट राइट चॉइसेस।
जैसे ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग का हर दिन से नफरत है, लेकिन मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें भी मोहम्मद अली की तरह हमें अपने वाई पावर को ढूंढना होगा और हमें भी अपनी हैबिट्स पे काम करना होगा। अब चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। तो लास्ट में बात करते हैं प्लान ऑफ एक्शन की। आपके लिए मैं एक एक्शन प्लान देके जा रहा हूँ, आपको क्या करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट दिया है, आपको उसको डाउनलोड करना है या किसी पेपर पे अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना है। आपको अपनी फूड, मनी और टाइमिंग को मेंटेन करना है। कितना टाइम आप क्या क्या खा रहे हैं, कितना टाइम आप क्या क्या कर रहे हैं, पैसा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी आपको एक वीक तक करना है। एक वीक के बाद आप उसको एक एक करके एनालाइज करें, चेक करें कि क्या क्या चीज़ें आपने कहाँ कहाँ की। आपको रियलाइज होगा और आपको जो रिजल्ट आएंगे आप उसको देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे। जो आपको नेगेटिव लगे आप उसको धीरे धीरे पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और मंथ बाय मंथ आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। और आफ्टर 2-3 ईयर्स इसको कंटिन्यू रखें और आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे। इस वीडियो को मैंने डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से रीड करके बनाया है। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।